How are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. Today we are going to read about chapter 6 of geography. Its name is the major landforms of the earth. Landform kya hota hai beta? Iske naam se hi samajh aa raha hai. Land ke different form, yani land ke vibhinn prakar. Aap jahan reh rahe hain beta, wo kaisi land hai? Very good. Plain land. Okay. और अभी जब आप कहीं घूमने जाते हो तो कौन सी लैंड पर जाते हो बताइए? वेरी गुड, माउंटेन्स पर. गर्मी है ना, आप क्या कहते हो, चलो हम माउंटेन पर घूमने चलते हैं ना. तो आपने इन सब के बारे में सुन रखा है. तो आज हम पढ़ेंगे कि ये बनते कैसे हैं. बेटा जो ये लैंडफॉर्म्स होते हैं, इनके बनने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल. जैसा किसके नाम से समझ आ रहा है, इंटरनल का मतलब जो आंतरिक रूप से हो रहा है, जिसे हम देख नहीं सकते, वी कांट सी इट. जैसे आपकी जो इंटरनल लैंड है उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो हिलती रहती हैं, ऊपर नीचे टूट फूट होती रहती है. तो उससे जो कुछ भी होगा, आपका अपलिफ्टमेंट हो या फिर सिंकिंग हो, उससे जो लैंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, मेजर लैंड फॉर्म्स कहलाते हैं. वो किसकी वजह से हुई, इंटरनल प्रोसेस की वजह से. ठीक है, सेम वे आपके बाहर एक्सटर्नल प्रोसेस, जैसे कि इरोजन हो गया, ठीक है, बारिश आ गई है, तो सॉइल इरोजन से क्या होगा बोलिए, लैंडफॉर्म्स. हो सकता है आपका जो है डिपोजिशन हो जाए. कुछ जो है नदियां अपनी तरफ से क्या लेकर आती है, अपने साथ मिट्टी भांग कर लाती है और एक जगह पर इकट्ठी करती है. आपको पता है उससे क्या बनता है, डेल्टा, है ना, होता है ना डेल्टा फॉर्म. तो उससे क्या हो रहा है बेटा, डेल्टा किसकी शेप ले लेता है, लास्ट में माउंटेन जैसी हो जाती है. अगर लगातार उस डेल्टा में बार 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 ऐसा हुआ तो बहुत ऊंचा सा बन जाएगा. तो ये क्या है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है. तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट हमने अभी पढ़े. बेटा अपलिफ्टमेंट क्या होता है, जब हमारी लैंड ऊपर उठती है. सिंकिंग, जब हमारी लैंड क्या होती है, नीचे झुक जाती है. और डिपोजिशन, जब हमारे यहाँ पे जो आपकी रिवर है वो बहुत सारा अपने साथ सामान, जैसे मिट्टी लेकर आती है, बजरी हो गई, कुछ आपने सीप्स देखी होंगी, तो उससे क्या होता है, उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, डिपोजिशन जम जाते हैं. तो उससे भी तो एक शेप ले लेती है ना लैंड, वो प्लेन तो नहीं रहेगी. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं बेटा, माउंटेन्स वो होते हैं जिनकी हाइट मोर देन 600 हो. ठीक है, वो हिल्स जिनकी हाइट मोर देन 600 है, वो माउंटेन्स के अंडर आती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेट्यू और प्लेन्स. प्लेट्यू क्या है बेटा, जो कि प्लेन से लिटिल बिट क्या हो, हायर लैंड हो. और प्लेन क्या हो, बिल्कुल टॉप फ्लैट होनी चाहिए उसकी, है ना. तो बेटा अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं माउंटेन्स के बारे में. माउंटेन्स क्या होते हैं बेटा, स्मॉल समिट्स और ब्रॉड बेस. जो माउंटेन्स होते हैं उनके जो स्मॉल समिट्स होते हैं, उसको समिट्स का मतलब बेटा ऊंचाई, हिल होना, मतलब ऊंची तरह से उठे हुए होते हैं. और बेस क्या होता है, ब्रॉड, नीचे से चौड़े होते हैं. पहाड़ कैसे होते हैं, नीचे से ऐसे चौड़े और ऊपर जाके ऐसे, है ना, नीचे से देखो शेप को, चौड़ी है ये और ऊपर से एकदम क्या हो गई, छोटी हो गई है ना बेटा ये. तो ये क्या है हमारा माउंटेन की शेप. ठीक है, ये इसकी क्या है डेफिनेशन. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि माउंटेन जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते. कई माउंटेन्स पर क्या होता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है और उनसे हमेशा पानी मिलता है हमको, है ना. तो वो क्या होते हैं, ग्लेशियर्स. क्या होते हैं, ग्लेशियर्स. ठीक है बेटा, माउंटेन्स इन अ लाइन. अब आपने देखा होगा जो माउंटेन्स होते हैं वो हमेशा कई माउंटेन्स लाइन में मिलते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद. तो क्या कहलाएंगे, माउंटेन सीरीज. क्या कहलाएंगे बेटा, माउंटेन सीरीज. जब हम एक साथ बहुत सारे किसको देखते हैं, माउंटेन्स को एक ही लाइन में, तो वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन सीरीज. समझ में आया बेटा. नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय, एल्प्स एंड एंडीज. ये जो रेंजेस है ये एशिया की रेंजेस है. कौन कौन सी, हिमालय, एल्प्स एंड एंडीज आर द रेंजेस ऑफ एशिया. अब हमारे यहाँ माउंटेन जो है वो थ्री टाइप के हैं. कितने टाइप के हैं बेटा, थ्री टाइप के. वो कौन कौन से, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन. कौन कौन से, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन. फोल्ड माउंटेन, जैसे इसके नाम से समझ आ रहा है बेटा, ये इस तरह से फोल्ड, फोल्ड शेप में होते हैं. ठीक है, अब फोल्ड, यंग फोल्ड माउंटेन्स अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो हिमालयन, एल्प्स है. ठीक है बेटा, और ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की बात करें तो वो अरावली है. ठीक है,
फोल्ड माउंटेन कैसे होते हैं बेटा, जो कि डिपोजिशन से क्या है इस तरह से फोल्डेड शेप में मिलेंगे, वो होते हैं फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट है आपके एप्पल एल्पोचिनिया एप्लाचाइंस नॉर्थ अमेरिका में है और यूरल माउंटेन जो है वो रशिया में है। और इनके फीचर्स क्या है बेटा, ये राउंडेड है, राउंड राउंड हो रहे हैं अपनी शेप में, ठीक है। और आपके जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन अरावली में है बेटा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जो है माउंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है बेटा, ब्लॉक माउंटेन होता है बेटा जो कि लार्ज एरिया और ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड इनटू वर्टिकल पार्ट्स, मींस आपका जो माउंटेन है बेटा वो क्या होगा, उसका जो लार्ज एरिया वो टूट गया है और क्या हुआ है, वो डिस्प्लेस्ड हो गया है। कैसे डिस्प्लेस्ड हुआ, वर्टिकली ऐसे इस तरह से टूटा है, मतलब ऐसे वर्टिकल वे में, तो क्या कहलाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, क्या कहलाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। अब उनका जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, हॉर्ट्स, क्या कहते हैं बेटा, हॉर्ट्स, HORTS, हॉर्ट्स। और जो नीचे का पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेबेल, क्या बोलते हैं, ग्रेबेल। तो इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है वोस्गिस माउंटेन, क्या है बेटा, वोस्गिस माउंटेन, ठीक है। वो कहां पर है, यूरोप में, कहां है बेटा, यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका वोल्केनिक। वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है बेटा, वोल्केनिक माउंटेन वो होता है बेटा जो कि वोल्केनिक एरप्शन से होता है, मींस वो फॉर्म कैसे होता है, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से। वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, सुना होगा कि वोल्केनो फट गया है ना, तो वोल्केनो फटने से मींस आपके यहाँ पे आपकी मैडम भी आपको बोलती है कि एक वोल्केनो का प्रोजेक्ट बनाकर लाओ, क्या होता है जो आपका पहाड़ होता है, जो आपका हिल होता है, उसके अंदर से क्या होता है, आग निकलती है ना बेटा, और आपका क्या निकलता है, लिक्विड सा बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोल्टन मैग्मा निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है, आसपास का जो एरिया है वो सारा क्या होता है, झुलस जाता है, जल जाता है ना। और जो उससे फॉर्म होती है, उससे क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या फॉर्म होती है, हिल्स फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे किलिमंजारो इन अफ्रीका है, माउंट फूजी है, माउंट फूजीयामा जापान में है, तो ये कौन किसके एग्जांपल है, हमारे वोल्केनिक इरप्शन माउंटेन के एग्जांपल है। अब बेटा बात करें हम माउंटेन्स जो है डिफरेंट टाइप के तो है, लेकिन क्या वो हमारे लिए यूजफुल है, बहुत यूजफुल माउंटेन है। कैसे है, एक तो आपके माउंटेन्स होते हैं जिन पर बर्फ होती है, वो हमेशा क्या नदी के रूप में आपके लिए काम करते हैं, तो पैरानियल रिवर के रूप में काम करते हैं, जो रिवर है वो आपके पैरानियल बन जाते हैं ना, क्योंकि ऊपर से रोज पानी गिर रहा है। दूसरा आपको क्या देते हैं, वुड देते हैं, शेल्टर देते हैं, आपके लिए जो है माइंस का काम करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके और भी बहुत से फायदे हैं जो आपको पता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड है ना, और आपको क्या पता है बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने इससे पहली वीडियो में भी पूछ रखे हैं, मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, बताइए। और हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं, फॉर्डर मिलता है, वेरी गुड। और क्या मिलता है हमें, फॉरेस्ट से लकड़ी मिलती है, वेरी गुड। आपके जो माउंटेन हाउस, और क्या मिलता है बेटा आपको, आपके जो माउंटेन्स है वो किसका सोर्स है, जो आप डायमंड पहनते हो, जो आप गोल्ड पहनते हो, ये सारी माइंस कहाँ होती है, हमारे माउंटेन्स में। लेकिन माउंटेन्स पर बेटा हर कोई व्यक्ति जो है वो इजीली रह नहीं सकता, क्योंकि वहां पर क्या है, सुविधाओं को जुटाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, प्लेन लैंड जो होती है वहां पर सभी रहना प्रेफर करते हैं, लेकिन जो हमारे माउंटेन और हिली एरियाज होते हैं वहां पर हमारी जो वो होती है जनसंख्या होती है, हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो लेस होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हम प्लेट्यू और प्लेन्स की रीडिंग करेंगे। बाय।